नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। मनोज मुंतशिर है मेरा नाम, और आज फिर एक बार मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज फिर मां और ममता को शब्दों में बांधने की बारी है। मैं सोच रहा हूं कि जिसने अक्षर अक्षर पढ़ना सिखाया उसके लिए कौन सी किताब खोलूं, जिसने शब्द शब्द बोलना सिखाया उसके लिए क्या बोलूं, कौन सा दिया जलाऊं उसके आगे जिसने मेरे इंतजार में आंखें जलाई हैं, क्या गाऊं उसके लिए जिसने मेरे लिए लोरियां गाई हैं। वाह वाह वाह। पूछ के देखो मेरा रोम रोम एक अनकही कहानी कहेगा। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कहना है मेरी आंखों का पानी कहेगा। क्या बात, जोरदार तालियां हो जाए। मनोज जी, आज का जो ये माहौल आपने खड़ा कर दिया है शुरुआत के सिर्फ दो पंक्तियों में, ये कोई आप जैसा बहुत ही महान टैलेंटेड राइटर ही कर सकता है। थैंक यू हिमेश जी।
आप कभी भी अपनी माँ अपने पिता को खोना नहीं चाहते, और जिनके पास अपने माँ बाप नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि उनका दर्द क्या होगा। वेल डन आर्य नंदा। मैं एक आम सा लड़का हूं, बहुत मामूली, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी मां को कौन समझाए। मेरी तारीफें यूं करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूरत हूं। मेरे माथे पर काजल का टीका यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफी है, मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूं, बस यही काफी है। Yeah.
यू सर. वाह वानी वाह. माँ शब्द ही ऐसा है, माँ का एहसास वो एहसास है जो एक्चुअली लफ्जों में नहीं बयां किया जा सकता. लेकिन तुमने आज दिल के उन तारों को छेड़ दिया है. यू नो, जहाँ जाने से भी आदमी डरता है बिकॉज इमोशनली हिल जाता है पूरा, और वो हुआ है बिकॉज तुम्हारे सुर इतने सच्चे थे और तुम्हारी नीयत इतनी सच्ची थी, क्योंकि तुम इंसान बहुत सच्चे हो. बहुत अच्छे. मनी ने दुनिया हिला दी. प्रभु प्रांजल, आपके चरण यहां लाइए. क्या हो गया प्रांजल? क्या हो बेटा? प्रांजल क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या हो गया प्रांजल? क्या हो बेटा? उसके आंसू आ गए. क्या हो गया? अरे यार ये बच्चा. क्या हो गया? आप पहले ही अपने इतने इमोशनल हो गए. सर घर का याद आ रहा. घर का? अरे मेरे बच्चे. पर सिर्फ मेरा दीदी पापा सब है घर में. लेकिन आपकी मम्मी तो आपके पास ही हैं. मेरी माँ तो है और मेरे घर में मेरा दीदी भी है. वो मेरी माँ ही जैसी है. उसको मैं बहुत दिन देखा नहीं सर. ये रिश्ते सिर्फ हिंदुस्तान में मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते. उसके लिए बहन और माँ बराबर है. Are you okay? ठीक है आप? All the best आपको. मैं कभी हॉरोस्कोप नहीं देखता, राशिफल नहीं पढ़ता, किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाता, कभी हाथ की रेखाएं नहीं पढ़वाता. ऐसा नहीं कि मुझे आने वाले कल की फिक्र नहीं है या किसी अनहोनी का डर नहीं है, पर मुझे पता है कि मेरी जिंदगी हाथ की रेखाओं में नहीं, मेरी माँ की पलकों में बंद है. उसकी चमकती हुई आंखें देख के जान जाता हूं कि मेरी तकदीर बुलंद है.
ब्रूस ली की बहन साय ली, बताइए आपकी टीम से कौन आ रहा है? आदि भैया, मेरे टीम से अभी आ रहे हैं हमारे शेफ प्रत्युष आनंद। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानो बस इतना ही जानो, तुझ में रब दिखता है यारा। हफ्ते के टॉप 5 परफॉर्मर्स जिन्हें मिलेंगे सुपर मेडल्स। सबसे पहला नाम है समायरा, दूसरा नाम है मनी, तीसरा नाम है फैज, चौथा नाम है अरुणा, पांचवा नाम है रोहा। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.